ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है ना कि मैं इसे अभी मार्केट से खरीद के लाई हूँ। इतना सुंदर ब्यूटीफुल होम डेकोर है ये, मैंने इसे खुद घर पे बनाया है। फ्रेंड्स, आप गेस कर सकते हैं इस होम डेकोर आइटम का प्राइस मात्र 50 रुपये। फ्रेंड्स, मैंने इसे मात्र 50 रुपये में बनाया है घर पर, और वो भी कबाड़ से। ये देखिए, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव विद अस में। फ्रेंड्स, मैं मार्केट गई थी फेस्टिवल की शॉपिंग करने के लिए, तो मैं कुछ होम डेकोर खरीदने गई थी। तो मार्केट में मैंने देखा 1500 से नीचे तो कोई होम डेकोर अच्छा वाला अवेलेबल ही नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना घर में चल के कुछ ट्राई किया जाए। आपको पता ही है मेरा चैनल कबाड़ से जुगाड़ वाला है, कुछ ना कुछ कबाड़ से क्रिएटिविटी करती रहती हूँ मैं। मैंने सोचा एक बार कोशिश की जाए अच्छा सा कुछ बनाने की। तो मैंने घर में ही ये देखिए लिप्पन आर्ट बनाया है। इतना सुंदर होम डेकोर मात्र फ्रेंड्स मैंने 50 रुपये के खर्चे में घर में ही बना दिया, जो कि मार्केट में 1200 से 1500 में अवेलेबल था। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि मैंने ये कैसे बनाया। सबसे पहले हमने कार्डबोर्ड पे टिश्यू पेपर चिपका के इसे सुखा लिया है, और उसके बाद उस पर आदि योगी का चित्र ड्रॉ कर लिया है। क्राफ्ट बनाने के लिए हमें चाहिए मोल्डिट, फैब्रिक ग्लू और मिरर। फ्रंट स्टार्ट करते हैं। मोल्डिट के पैकेट के अंदर दो छोटे छोटे पैकेट हैं, इन दोनों पैकेट को खोल के अच्छे से मिला के एक स्मूथ डो रेडी कर लीजिए। मोल्डिट को चिपकाने से पहले फैब्रिक ग्लू लगा लीजिए, उसको पतला करके ऐसे जो हमारी ड्राइंग है उसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए, और जितना एक्स्ट्रा हो उसे नेल कटर या चाकू की सहायता से काट लीजिए। काटने के बाद इसके जॉइंट्स को हाथ से थोड़ा सा मिला दीजिए। इसी तरह धीरे धीरे आप पूरी ड्राइंग के ऊपर मोल्डेड को चिपका के पैटर्न बना लीजिए। आदि योगी के गले में रुद्राक्ष बनाएंगे, और रुद्राक्ष बनाने के लिए उसको सेम लुक देने के लिए हम उसमें कोई शार्प चीज़ लेके उसमें छोटे छोटे छेद कर देंगे। ये देखिए, एकदम ये ओरिजिनल रुद्राक्ष का लुक देगा। और उसके बाद हम आदि योगी की आँख बनाएंगे। इसे भी डिटेलिंग करते टाइम बहुत ध्यान से बनाइए, और धीरे धीरे शेप दीजिए, जैसे आँख आधी खुली है उस तरह से नीचे का शेप देना है। ये देखिए, हमने पूरा पैटर्न बना लिया है। अब हम कलर करना स्टार्ट करते हैं। Thank you.
कलर करने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पर हम इसमें थोड़े से मिरर लगाएंगे जिससे इसकी सुंदरता और बढ़ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी जुगाड़ से कितना सुंदर होम डेकोर बनके रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।